बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला था और इसमें 2 से 3 लहसुन थे और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक था और 1 छोटी हरी मिर्च थी। इन्हें बहुत बारीक स्लाइस करके और मैंने इसमें जो है ऐड कर दिया था। थोड़ी सी उसमें से खुशबू आने लगे तो ये मैंने 1/2 पाव के करीब जो था ये बोनलेस चिकन था और इसका जो है कीमा बना लिया था। या आप हाथों से भी मोटा मोटा सा इससे कट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो इसमें डालकर अच्छे से भून लिया था जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसके बाद जो है हम इसमें 1 लीटर यखनी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास यखनी ना हो तो 1 लीटर पानी डाल के और 2 चिकन के क्यूब या 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ली थी, वेजीज में जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, गोभी, गाजर और कॉर्न और हरी प्याज लिया था और ये सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च तीनों जो है मैंने 1 टीस्पून लेकर इसमें ऐड कर दी थी। स्पाइसेस और नमक जो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करें। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, श्रिम्प्स भी ऐड कर सकते हैं, टोफू भी ऐड कर सकते हैं। जो आपको खाना हो वो ऐड कीजिए, जो आप नहीं खाते हो वो इसमें से स्किप कर दीजिए। इसके बाद जो है जब इसमें बॉईल आ जाए अच्छा सा, हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तो फिर जो है मैंने इसमें 1/2 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया था, यानी कि 6 to 8 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लेके और वो पानी में ऐड करके मैंने इसमें डाल दिया था। आप अपने हिसाब से जितने आपको इसको गाढ़ा रखना हो वो डालिएगा। ये थोड़ा सा थिक ही होता है, ये बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होता, तो इसलिए जो है इसको थोड़ा थिक ही रखना है। अब यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून जो है केचप के ऐड किए थे और इसके बाद जो मैंने 6 टेबल स्पून जो है इसमें सोया सॉस के ऐड किए थे। 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरका भी ऐड किया था, वो आप टेस्ट करने के बाद ऐड कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें हॉट सॉस का ऐड किया था, चिली सॉस, हॉट सॉस जो भी आपके पास हो। अच्छा, ये जो है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस के ऐड किया था। और अब जो है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ जो है आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ खट्टा मीठा या नमक जो भी कम लग रहा हो वो आप इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीट होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें मिठास या खटास नहीं होती, हर चीज़ बैलेंस होती है इसके अंदर। और यहाँ जो फिर मैंने 2 अंडे जो थे उनको फेंट के और ऐड कर दिया था। अंडे डालने के बाद जो है आपने 2 से 3 सेकंड के बाद फिर इसको मिक्स करना है। फौरन मिक्स करेंगे तो इसका वो लुक नहीं आएगा, वो टेक्सचर नहीं आएगा जो आपको बाज़ार में सूप का मिलता है। और ये बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत हेल्दी भी होता है। और यहाँ जो है बस हमारा सूप जो है वो रेडी हो चुका है। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।